दोस्तों मार्केट में एक फेमस पैटर्न होता है जिसके बारे में मैक्सिमम लोग जानते हैं, दैट इज कप विद हैंडल पैटर्न, जिसमें एक कप की शेप बनती है। बट आपको बता दूं कि इसी के जैसा एक और पैटर्न होता है, कप विदाउट हैंडल पैटर्न। बस दोनों में हैंडल का डिफरेंस होता है, जैसा कि इनके नेम से ही पता लगता है। अगर आपको मार्केट में पैसा बनाना है तो आप केवल इन दोनों पैटर्न को मास्टर कर लीजिए। आप केवल इन दोनों पैटर्न की मदद से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो जब कोई स्टॉक एक कप की शेप बनाता है और उसके साथ में हैंडल फॉर्मेशन नहीं होता, तब इसको कहा जाता है एक कप विदाउट हैंडल पैटर्न। और कप विदाउट हैंडल पैटर्न मार्केट का एक बढ़िया प्रॉफिटेबल पैटर्न होता है, क्योंकि जब कोई स्टॉक एक बढ़िया कप विदाउट हैंडल पैटर्न बना करके ब्रेकआउट देता है तो वह ब्लास्ट हो जाता है, जैसा कि हम आगे एग्जाम्पल्स में देखेंगे। जैसे सबसे पहले आप एक एग्जांपल इस स्क्रिप्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर इसमें 1170 के लेवल पर एक कप विदाउट हैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ था, उसके बाद में स्टॉक यहाँ से ब्लास्ट हो गया। सेकंड एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, इस स्क्रिप्ट में भी एक कप विदाउट हैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ था, उसके बाद में पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ और स्टॉक ब्लास्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक कप विदाउट हैंडल फॉर्मेशन हुआ था और बड़े वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट देखने के लिए मिला, उसके बाद में ये स्टॉक भी ब्लास्ट हो गया। दोस्तों इसी वजह से कप विदाउट हैंडल पैटर्न एक बहुत ही ज़बरदस्त पैटर्न होता है मोमेंटम इन्वेस्टिंग और मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए। अगर हम अभी की बात करें कि अभी ये पैटर्न कौन से स्क्रिप्ट में फॉर्म हो रहा है, तो मैंने कल अपने एक्स हैंडल पर एक ऐसा ही एग्जाम्पल शेयर किया है। हमारे एक्स हैंडल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस एग्जाम्पल को चेकआउट कर सकते हैं। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना।